चोरी रेत की अवैध परिवहन करते हुए थाना प्रभारी इंदरगढ़ परमानंद शर्मा ने रेत से भरे ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक दतिया अमन सिंह राठौर के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध रेत परिवहन और उत्खनन को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कमल मौर्य और एसडीओपी सेवड़ा उपेंद्र कुमार दीक्षित के मार्गदर्शन में इंदरगढ़ पुलिस के द्वारा अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर चोरी की रेत का परिवहन करते हुए रेत से भरा ओवरलोड ट्रैक्टर जब्त किया है। कुछ दिनांक पूर्व ही इंदरगढ़ पुलिस के द्वारा रेत से भरे दो ट्रैक्टर जब्त किए गए थे और इन्हें जब्त किया गया था। हालांकि आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही इंदरगढ़ पुलिस ने ये जो कार्रवाई की थी, जिसमें इंदरगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कामद रोड इंदरगढ़ से आरोपी अमित बघेल पुत्र बलराम बघेल निवासी बहेरा से चोरी की रेत से भरा ओवरलोड ट्रैक्टर न्यू हॉलैंड को जब्त किया था। आरोपी के विरुद्ध धारा 379 और 414 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और इस कार्रवाई में निरीक्षक परमानंद शर्मा, सहायक उप निरीक्षक कमल किशोर, प्रधान आरक्षक ब्रजमोहन, आरक्षक धर्मेंद्र शर्मा, राघवेंद्र चंद्रभान, भरत रावत, सैनिक हरिमोहन की विशेष भूमिका रही।